तो मैं फिर से आ गया हूँ इंडियन ममान ड्यूटी पे। मैंने आपको जैसा बताया था कि लास्ट ब्लॉग में मैंने कब्जा करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, तो कोशिश का पार्ट नंबर 2 है। और कोशिश करते रहने से कामयाबी ज़रूर मिलती है, तो कामयाबी के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग भी मुझे कोशिश में साथ दीजिए, तो एक दिन ज़रूर मैं इस ब्लॉग पे कब्जा कर लूँगा। और ये आ गई है निका। तो आज लंच मैं बनाने जा रहा हूँ, लंच में सब्जी, कुछ अलग तरह की सब्जी बनाने की कोशिश है, वो भी तोरई की सब्जी बनाने जा रहा हूँ कुछ अलग तरह से। तो देखते हैं कैसी बनती है। एक्सपेरिमेंट करने से ही कुछ सीखता है आदमी और कोशिश करने से ही जीतता है। तो कोशिश और एक्सपेरिमेंट लाइफ में होते रहना चाहिए, इससे लाइफ में कुछ इंटरेस्ट बना रहता है, अदरवाइज लाइफ बोरिंग हो जाती है एक ही काम करने से। तो कुछ नया नया करते रहना चाहिए। तो चलिए आज कुछ नया तरह से तरोई की सब्ज़ी बनाएंगे, वो भी मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा और देखता हूँ वो एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होता है, खा के देखेंगे। अब देखते हैं कि एक्चुअल ओनर ऑफ इंडियन ममान ड्यूटी क्या कर रही है। देखो ये देखो, जब मैं कुछ करता हूँ तो पूरे मस्ती करती है। अभी क्या कर रही है देखो, दांत दिखा रही है। ये तरबूज को, दांतों से मैं तरबूज को एंजॉय किया जा रहा है। और मैं देखो ये तोरई की सब्जी बनाने वाला हूँ, तो चलो बनाते हैं तोरई की सब्जी, वो भी मेरे साथ, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और खाऊंगा मैं और देखता हूँ एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होता है। अभी देखो मैं बड़ी बड़ी तोरई काटा हूँ, अभी इसको बड़े को मैं दो दो हिस्से करूँगा, ज़्यादा नहीं, बड़ा बड़ा ही काटूँगा मैं। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रस्से वाली तरोई की सब्ज़ी बनाऊँ कुछ अलग स्टाइल में, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, कहीं से देखा नहीं, लेट्स सी कि मेरा एक्सपेरिमेंट कैसा आएगा। मेरे मुंह में मतलब इसका इमेजिनेशन आ रहा है कि कैसा दिखेगा और कैसा इसका टेस्ट आएगा, बट क्या वैसा आएगा कि नहीं पता नहीं। अच्छा, जो रात सब्जी बना रहे हैं, एक दिन मैंने बनाई, मुझे याद आ रहा है आप उसी को रिक्रिएट कर रहे हो। मैंने बनाई थी क्या? एक दिन मैंने रस्से वाली सब्जी बनाई थी, क्योंकि अम्मा ने बोली थी कि उनको तरोई रस्से वाली बनानी है। वो नहीं है पक्का? पक्का नहीं? चले मेरे ब्लॉग में घुस कर मेरी रेसिपी दिखा। नहीं नहीं नहीं, अलग कुछ बनाने की कोशिश कर। क्या आपको लगता है कि मेरे ब्लॉग के साथ कुछ हो रहा है अत्याचार ऐसा कुछ? मैंने पहले ही बता दिया कि उम्मीद नहीं होनी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कब्जा कर ले जाऊँगा। मुझे अपना लॉगिन और सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। टेक्निकल तो ऐसे ही मैं देखता हूँ। मैं फंस चुकी हूँ, बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। मुझे कुछ तो क्लेम मारना पड़ेगा राष्ट्रपति ढाबा पर। लहसुन ले आए, हरी मिर्च ले, प्याज दो, प्याज छील लो। ये तैयारी चल रही है, सच्ची में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि इतना लहसुन तो हमारे यहाँ पर चिकन नॉनवेज में पड़ता है, काफी लहसुन है। कहीं आप नॉनवेज की डिश तो नहीं चिपका रहे भाई के साथ? उसका आधा डालूंगा। अच्छा, इसने दे दिया है ज्यादा? अच्छा, पूजा जी ने ज्यादा दे दिया है। हाँ, मैंने भी सुना था, इतना बोला था वो बराबर इतना लेकर आई है। चलो आप सब्जी काट लो, अम्मा दिखाती हूँ मैं आपको क्या कह रही है। अम्मा हाँ पी गए गाँव वालों, एक मेरे कोशिश से पानी फैलने की कोशिश की जा रही है। अभी से सीखा मैंने कि कोशिश करने वालों की हार भी होती है। तो तुम्हारा ही चैनल है, तुम इस पे क्या कोशिश कर रहे हो? क्या करूँ मैं? मेरे पे कब्जा करने की कोशिश करो। चलो गाइस, आपको हैंड ओवर कर रही हूँ। चलो बाय। मैं अम्मा दिखा दूँ। मैं अम्मा कुछ और सोच रही है, सोच में डूबी हुई है अम्मा। अभी मैं आप ही दिखा देना। खूब सारा तेल, खूब सारा मतलब बहुत सारा नहीं, अच्छा करीब 3-4 चम्मच ज़्यादा है। बहुत सारा, हम लोग एक्चुअली बहुत कम तेल खाते हैं, तो 3-4 चम्मच हमारे लिए खूब सारा हो जाता है। वही मैं बोलने वाली थी आपको कि आज कहाँ से हमारे घर की गंगा बह रही है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 चम्मच है, राइस ब्रान ऑयल खाते हैं इसलिए। ओके, चलो राज के लिए एक दिन चल सकता है। नहीं, कुछ अलग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइस ब्रान ऑयल वैसे नुकसान नहीं करता है, फिर भी नहीं खाना चाहिए तेल ज़्यादा। अब इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा मेथी, बहुत कम, थोड़ा सा,
मेथी दाना, मेथी दाना इसको थोड़ा सा चटकने देंगे। मेथी चटकने लगी, अब इसमें डालूंगा लहसुन, प्याज, जाने दो इसको, गिरने दो ना अंदर। मैं प्याज देखो मैंने बड़ा बड़ा काटा है, बहुत बड़ा बड़ा। अभी हल्का प्याज को पूरा फ्राई नहीं करेंगे, अब देखो हल्का फ्राई हो गया, अब इसमें मैं डालूंगा टमाटर। टमाटर भी देखो बड़ा बड़ा काटा है मैंने, कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टेस्ट अच्छा आएगा। अब मैं इसमें डालूंगा मसाले। ओके। और मसालों में मैं सबसे पहले हल्दी 1 चम्मच से थोड़ा कम, हल्दी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ पहले, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, तीखा नहीं करेगा बट कलर बहुत अच्छा लगेगा। 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। अभी तो स्पेशली अलग ही बन रही है सब्जी, अभी मुझे लग रहा है क्योंकि तरोई में आमचूर थोड़ा सा। धनिया पाउडर 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और 1/2 चम्मच से भी कम सब्जी मसाला पाउडर, थोड़ा सा 1/4। अभी डाल के सब चला दूंगा, थोड़ा सा फ्राई करेंगे मसाले को टमाटर के साथ। अभी मसाला देखिए फ्राई हो गया हल्का, अब मैं इसमें डाल दूंगा पूरी। पानी नहीं डालेंगे क्योंकि तरोई को भी पानी छोड़ती है। भूल गए? नहीं भूला नहीं। ओके ओके। थोड़ी देर बाद इसमें और इसमें डाल देता हूँ लहसुन ऊपर से, इसमें करूँगा इसे छोड़ दिया। दूसरा बनाऊंगा मैं चौली की सब्जी। एक तो तरोई की सब्जी बन गई, चौली की सब्जी। चौली की सब्जी तो मेरे ख्याल से बहुत बार दिखा चुकी है किरण, सेम उसी तरह से बना रहा हूँ। आनियन, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, गार्लिक यानी लहसुन बहुत ढेर सारा, और चौली और नमक, कुछ खास नहीं है। मैं दिखाते हैं क्या करते हैं, इसमें बहुत सिंपल होता है चौली की सब्जी। तो बनेगी तोरई की सब्जी, चौली की सब्जी, जीरा दाल, रोटी और राइस और सैलड। आज का लंच कैसा है? बहुत अच्छा। पर राज पापड़ी ढाबा ये आपकी किचन में ये क्या लगाया है? अरे मेरे किचन के साथ में बहुत खुराफात किया जाता है। एक लड़की ऐसी है ना जो मेरे किचन में ना कुछ ऐसा इतना सामान भर देती है कि मैं सोच नहीं पाता हूँ। अभी ये अननेसेसरी आइटम है, इसमें चौकी बेलन रखने वाला, अभी यहाँ पे इसका पूरा शोर खराब कर रहा है। पर क्या करें, बीबी की बातें माननी पड़ती है। पर मैं अभी बोलने वाली थी, अभी मैं बोलने ही वाली थी, पर चल आपने संभाल लिया बात को। बहुत अच्छे। अभी चौकी की सब्जी, 2 चम्मच तेल, ज़्यादा नहीं, इधर कम डाला है। और ये सारी चीज़ों में से ये लाल मिर्ची सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे हल्का सा। मैं बहुत बड़ा खाना जो है बहुत रोज टाइप से बनाता हूँ, रेस्टोरेंट टाइप से खुरा पाती करके, मेरे को नॉर्मली वैसे बनाने को नहीं आता। मेरे खाने में बहुत उछल कूद भी करते हैं पानी और तेल, मेरे से दूर रहना पड़ता है बाकी लोगों को। मिर्ची हल्की लाल फ्राई हो। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? प्याज सब कुछ डाल दूंगा, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। नमक नहीं डालना है, नमक लास्ट में डालना है। चौली थोड़ा सा जब गलने लगेगी तब नमक डालना है।
प्याज को एकदम लाल फ्राई नहीं करना है, ये ध्यान रखना, हल्का सा बस करना है, सब्जी की तरह नहीं करना है। अब मैं डालूंगा इसमें चौली, सबसे सिंपल सब्जी है, ज़्यादा दिमाग की नहीं है और अपने सबकी फेवरेट भी है, अम्मा की, मेरी, आपकी, अली का भी खा लेती है। पर इससे मैंने सुना आयरन बढ़ता है, सच्ची में? अच्छा, चौली बहुत अच्छा होती है हेल्थ के लिए। ओके। कोई भी लीची जैसी चीज़ अच्छी होती है, बट आजकल क्या है ना कि किस तरह से लोग उगाते हैं ये सब बहुत फर्क पड़ता है, केमिकल डाली हुई है, एक नाले की है। वो आपको पता है वो कौन है, भैया है लग रहा है कपड़े वाले, वो आपको वो पता है क्या, वो जो नी नाले वाला तो टीवी में बहुत बार देखा ही है, वो जो स्टेशन के बाजू में जो सब्जी उगाते हैं मोस्टली मुंबई में, हम तो हेल्दी सोच के खरीदते हैं। बस ये है कि थोड़ा अच्छी दुकान से खरीदे तो थोड़ा सा उम्मीद रहती है अच्छा मिलेगा। तो चौली को हल्का में गलने दूंगा, तब तक मैं देखता हूँ तरोई की सब्जी के क्या हालात हैं। देखिए तरोई की सब्जी पानी छोड़ना चालू हो गई है, तो इसको पानी छोड़ने दीजिए अभी थोड़ी देर। अच्छा लुक आ रहा है बहुत, खाने में कैसी होगी पता नहीं। रिव्यू देंगे राजपापड़ी ढाबा, हम लोग रिव्यू देंगे आपको। अभी चावली देखिए इतनी गल गई है, अब मैं इसमें डालूंगा नमक, क्योंकि इससे पता चल जाता है कितनी है एक्चुअली, तो नमक आप बराबर डाल लेते हो, इसमें एक चम्मच नमक बहुत है तो मैं एक चम्मच ही नमक डालूंगा, मतलब मेरा चम्मच छोटा है ध्यान रखना, एक चम्मच बड़ा वाला नहीं है मेरा, एक टी स्पून के बराबर है, टेबल स्पून मत डाल देना नहीं तो पता चला गड़बड़ हो गया तो मेरे को बोल रहे हो, है कि नहीं। अभी देखिए मेरी सब्जी पक गई है और ऐसी दिख रही है, अब इस पर मैं डालूंगा धनिया, हरी धनिया काट के ऊपर से, ये देखिए तरोई की सब्जी, चावली की सब्जी, सैलेड, दाल, जीरा फ्राई, राइस और बहुत सारा अचार रखा, जिसको चाहिए ले लेगा, और खाने वाले में बैठे हुए हैं और कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनको इनविटेशन दो तीन बार दिया गया है लेकिन वो जल्दी सुनते नहीं हैं, और रोटी पूजा बना रही है गरम गरम, क्योंकि रोटी मेरे से उतना अच्छी नहीं बनती भाई, जो बात सच है सच है। तो तो चलो हम लोग खाते हैं, फिर बाकी लोगों से पूछेंगे टेस्ट कैसा आता है। कैसी बनी सब्जी? मैं तो चावली खा रही हूं। अरे तरोई की सब्जी बताओ ना, एक्सपेरिमेंट जो मैंने, हां देखो एक्चुअली चावली बहुत पसंद है तो मैं उसी पे लग गई, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। चलो सबसे बेस्ट वर्ल्ड में खाना कौन बनाता है? मिस्टर राज, वेरी नाइस, अच्छी बनी, बहुत अच्छी नंबर वन आई ये होटल के साथ, जो उसका ब्लेंड हुआ है ना टमाटर प्याज, तो बहुत नाइस बनी है, खाना खाने में मज़ा आ रहा है, बाकी बातें खाने के बाद। ये देखिए अम्मा खाना एंजॉय कर रही है, वो स्लो स्लो खाती है, हम लोग खा चुके हैं। अम्मा कैसा लग रहा खाना? खाना कैसा लग रहा है? पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है खाने में। हाँ ठीक है, लेकिन कैसा बना है? अच्छा बना है, वो बोल रही हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर खाना अच्छा बना है। तो हम लोग का खाना खा के हो गया, सब्जी जो एक्सपेरिमेंट मैंने की थी अच्छी बनी है, पर उसमें थोड़ा सा ना धनिया पाउडर कम करने की ज़रूरत है मुझे ऐसा लगता है, तो मैं तो डाल चुका था इसलिए मैं कम नहीं कर सकता, पर नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगा थोड़ा सा धनिया पाउडर कम डालूंगा, धनिया पाउडर को आधा चम्मच कर दीजिए एक की जगह,
और जीरा पाउडर को भी आधा चम्मच की जगह 1/4 कर दीजिए, तब ये काफ़ी अच्छा बनेगी, क्योंकि थोड़ा सा मसाला थोड़ा सा मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया है ना। स्लाइटली कम टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था, बट मसाला थोड़ा सा अच्छा था। अगर आपको ना मसालेदार सब्जी अच्छी लगती है तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा कम नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा कम कर देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा, एक दो एक्सपेरिमेंट करने के बाद काफ़ी अच्छा बन जाती है चीज़ें। ये पहला एक्सपेरिमेंट था, बट जो मैंने बताया वैसे आप बनाएंगे तो ज़रूर बहुत अच्छी बनेगी। और आज मैंने देखो नया हेयर स्टाइल किया है, कैसा लग रहा है मेरा न्यू हेयर स्टाइल किरण? पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा न्यू हेयर स्टाइल। हाँ, तो अभी आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना जरूर कि मेरा न्यू हेयर स्टाइल। इस हेयर स्टाइल पर हम तीनों का बहस चल रहा है, मेरा, अनिका का और राजू। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा लुक चेंज किया जाए, लेकिन क्या है कि मेरी बीवी सपोर्ट नहीं कर रही है। नहीं, मैं हर चीज में सपोर्ट कर सकती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है राज छोटे बालों में बहुत अच्छे दिखते हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बाल बड़े करूँ और थोड़ा सा इस तरह से रखूँ, थोड़ा सा मेरे हेयर स्टाइल तुम दिखाओ जैसे कितना अच्छा बनाया मैंने। कुछ नहीं किया, सारे बाल पीछे किए हैं। तो वो भी हेयर स्टाइल है, तुम तो इतना पैसा खर्चा करके आती हो, हजारों हजारों हजार फ्री में मैं हेयर स्टाइल कर रहा हूँ बेचारा। नहीं, मुझे अभी सब लोग बुलाते हैं कि आइए मैडम हमारी सर्विस चेक करिए। कुछ भी, सब जगह पैसा दे के आती है। कल की सर्विस वो तो मिसेज इंडिया का था इसलिए फ्री में मिली है, नहीं तो हर जगह मैं पैसे निकाल के देता हूँ। भूल गई हो क्या? टाइम मशीन में भी, ब्लंट में, जूस में, कहा नहीं मैंने पैसे दिए? मेरी जेब पूरी खाली हो जाती है पैसे पूरी खाली दे। पूरी खाली हो जाती है। आइए देखो, इसलिए राज को अपने बाल बढ़ाने पड़ रहे हैं, सलून आ जाए। मुझे कटाना भी नहीं पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। अनिका रो भी चुकी है जब राज ने ये प्लान सुनाया कि मैं बाल बढ़ाने वाला हूँ। अनिका एक्चुअली रोई नहीं, वो बढ़ाने से नहीं रोई है, मैंने बढ़ा के मैं इसे छोटी रखूंगा तब उस पर रोने लगी। पोनी, छोटी मतलब पोनी। हाँ, पोनी रखूंगा तो बोली कि नहीं पोनी नहीं रखना, उस पर रोने लगी वो। बट उसने देखा नहीं ना कैसा दिखूंगा मैं, जब देखेगी तो बहुत बोलेगी पापा बहुत अच्छे दिख रहे। मेरे से ज़्यादा अनिका बहुत वो है अपने पापा को लेकर, वो भले ही मुझे किसी भी रूप में देख सकती है पर अपने पापा को पता नहीं, वो बहुत वो करती है। सो अभी क्या आइसक्रीम मंगवाओ क्या? नहीं, अब हम लोग देखेंगे मूवी, कल हमारी वीरे दी वेडिंग, वीरे दी वेडिंग मूवी। वीरे दी वेडिंग नहीं, वीरे की वेडिंग, दो मूवीज है। वीरे की वेडिंग है वो, करीना कपूर वाली वीरे दी वेडिंग है, और ये और गाइस हम लोग वेडिंग कल हमने स्टार्ट किया था, पर रह गया था, अभी थोड़ा मूवी देखेंगे और उसके बाद चाय पानी पियेंगे, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे, फिर मेरे ब्लॉग में। मैं नहीं दूंगा, लिमिट होती है, लिमिट होती है। ड्रामा किंग से ये लोग, आपने ड्रामा क्वीन बहुत देखा है, अभी ड्रामा किंग देख लो। तो अभी मूवी देख के हो गया, मूवी बहुत घटिया थी, मजा नहीं आई, तो मूवी देखते देखते क्या हुआ, सब लोग बोर होके सो गए, तो अभी सब सो के उठ गए। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, कपिल शर्मा देख लिया और एक चीटोज वाली देखो, ए चीटोज ये भी सो गई मूवी देखते देखते, बीच में आइसक्रीम भी खा लिया। सो ये सारा आज के दिन यहाँ तक मैंने कब्जा कर लिया इंडियन मामा ड्यूटी पे, तो अभी मैं अपना कब्जा वापस करता हूँ और मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, कैमरा असली ओनर के पास को हैंड ओवर करता हूँ, और फिर से मैं कोशिश जरूर करूंगा कब्जा करने की, और जब मुझे हाथ में कैमरा आएगा तो मैं कब्जा जरूर कर लूँगा और मैं आपको जरूर मिलूँगा इंडियन मामान ड्यूटी पे। तब तक आप राज पापा जी ढाबा देखते रहिए, तब तक मैं राज पापा जी ढाबा पे मिलूँगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक, चलिए बाय बाय।